हज कमिटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ईरोजु हज हाउस लो हज कमिटी लो बोर्ड समावेश निर्वहिंचारु। हज 2020 संदर्भंगा हुज्जाज एदुर्कोंटुन्न विविध समस्यलपै चर्चिंचारु। हज कमिटी सभ्युलु हज कोसं तदुपरि सन्नद्धत कोसं तीसुकोवाल्सिन कोन्नि सूचनलु जागर्तलु कूडा इच्चारु। और उसके अंदर हाजियों को जो तकलीफ हुए, जैसा कि वहाँ पर ट्रैवल का मसला हो या वहाँ की बिल्डिंग के मसले हो, खादिमुल हज्जाज का मसला हो, उन तमाम उमूर पर तफसील से तबादल ख्याल किया गया और मिंबरों की तरफ से अच्छे तजावीज़ आए। जैसा कि अब जो खादिमुल हज्जाज जो अच्छा काम किए हैं उनको सराहा जाएगा और जो दो तीन खादिमुल हज्जाज के ख़िलाफ़ जो शिकायतें मौसूल हुई हैं उनके खिलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उनको पहले शोकाज नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद उनके पेरेंट डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा कि उनकी कारकर्दगी पर। दूसरी बात, आइंदा साल के लिए अभी से, जैसा कि एक ज़माने में बिल्डिंग संरक्षण कमेटी जाती थी, आज़मीन कहाँ ठहर रहे हैं वो बिल्डिंगें देखी जाती थी, तो इंशाल्लाह इस साल भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हो वहाँ के रहने का और वहाँ के बसेस का। इसके लिए एक हफ्ता कबल ही CM साहब से नुमाइंदगी की गई कि जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर को लेटर लिखा जाए और हज कमेटी ऑफ इंडिया को हज का लेटर लिखा जाए कि हमारे तेलंगाना के आज़मीन कहाँ ठहर रहे हैं, उन्हें का रहने का इंतज़ाम क्या है और दीगर उमूर पर भी इनसे तबादला ख्याल करें। अच्छे तजावीज़ आए हैं, इंशाल्लाह ताला एक साल का टाइम है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर हज कमेटी का जो बजट 2 करोड़ था उसको बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये किया गया है, उस पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से CM साहब रेवंत रेड्डी साहब को शुक्रिया अदा किया गया है ताकि हमें इंतज़ाम में बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करने में सहूलत पहुँचती है।